जियो को लगा झटका। संघर्ष कर रहे किसानों ने मोहल्ला निवासियों की मदद से उखाड़ा जियो मोबाइल टावर। आज जियो को उस समय झटका लगा जब 27 दिन से संघर्ष कर रहे किसानों की तरफ से मोहल्ला निवासियों की मदद से लुधियाना के मोहल्ला इकबाल नगर में लग रहा जियो कंपनी का टावर उखाड़ फेंका। बता दें कि किसानी मोर्चे को लगे आज 27वां दिन है और यह संघर्ष हर रोज तीखा हो रहा है और इस किसानी मोर्चा ने सभी तरह के लोगों को एक मंच पर एक सोच पर लाकर खड़ा कर दिया है। काबिले गौर है कि समय की सरकारों की तरफ से अपने फायदे के लिए लोगों में नफरत फैलाई जाती रही है, पर जब पूरा आवाम एक मत हो जाए तो वह नफरत को लांग कर भाईचारे का सांझ को अंजाम देता है। ठीक वैसा ही नजारा आज किसानी मोर्चा में देखने को मिल रहा है, जिसमें आज पूरे भारत के किसानों मजदूरों के अलावा और लोगों की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है और हर संभव मोर्चा पर बैठे मदद किसानों तक पहुंचाई जा रही है। आज अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। किसानों की नजर में सरकार के अड़ियल रवैये के कारण कॉरपोरेट घराने को मानते हुए बहुत से स्थानों पर रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाहर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज लुधियाना में जियो के टावर को लोगों द्वारा उखाड़ फेंकने के कारण यह किसानी संघर्ष और तीखा होता नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वो और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, जियो के टावर उतरवाने को भी कहेंगे। इस समय जियो कंपनी के मुलाजमों के प्रदर्शन कर रहे लोगों से नोकझोंक भी हुई, अंत में वह कार्रवाई की धमकी देकर निकल गए। लुधियाना से रामकृष्ण अरोड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम जी मोहल्ला इकबाल नगर साढ़े जी हाँ सा इतने महल च ना जियो का टावर लगाया गया से अज तो तकरीबन 2 महीने पहला। तो जियो का तुम देख रहे हो कि हर पास विरोध हो रहा है, किसान भाईचारा तो मजदूर भाईचारा यदा विरोध कर रहे हैं। अभी इन्हों टिब्बा थाने कंप्लेट दी सी साढ़े एरिए जियो का टावर ना लगे जा लगाया जाए, तो क्योंकि इस वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान ने, बहुत ज़्यादा नुकसान होने करके असी इन्हों मना किया सीगा। तो बट हुण दूजे पासे किसान भरा साडे मजदूर बैठे आ जिहड़े बार्डर ते इन्हां दा विरोध कर रहे आ, ते असी घरां च बैठ के नहीं इन्हां दा बाईकाट कर सकते। तो असी इन्हां नूं टिब्बा थाणी कंप्लेट कीती वी है जियो दा टावर उतार दिता जाए, तो फिर बट इन्हां ने कोई हो नहीं किया, रिस्पोंस नहीं दिता। 1.5 तो 2 महीने असी 3-4 बार थाणे गए हैं, उस तों बाद कल सारे महल्ले ने इकट्ठे हो के भाईचारा सारे किसान भाईचारे के मैंबर से सारे ने इकट्ठे होकर असी टावर उतार दिता। टावर उतारन गए इतने महल जे ओनर से जिन्हें घर लग्या हुआ सी उन्होंने गल की भी असी भी तुम ये टावर उतार दो, वो कहते भी साडा असर कॉन्ट्रैक्ट होया वा तो असी उतार नहीं सकते इन्हू, तो कहते तुम आओ साढ़े नाल, कहते असी भी थोड़े नाल हाँ, असी भी किसान भरावान के हक चा, तो कोई गल नहीं आओ इन उतार दो। ठीक है, फिर असी सारे महल ने इकट्ठे होकर असी टावर उतार दिता। तो कंपनियों ने कोई गल हुई नहीं, हाले तक साड़ी कोई गल नहीं हुई, तो इन्हों भी हुई सी बस। ठीक है, हाँ जी, ठीक 2 महीने पहला टावर लगा सी, 2 महीने पहला ही इन्होंने क्या भी सी रिक्वेस्ट की थी कि घर वाले भाई जियो उतार दो, वो कहते उतार दे कोई गल नहीं, अभी महल के नाल बाद कंप्लेट भी टिब्बा रोड से पर सुनवाई नहीं की बाद फिर हूँ थोड़े दिन हुए आया साढ़े को आए सारे जन इकट्ठे हो गए यहाँ के घर के मैंबर भी भाई सानू साढ़े बच्चों नुकसान तो असी जो किसान भाई बेचारे नाल असी रहने देना क्यों जी असी आप उतारते हैं तो उन्हें सानू ना एग्रीमेंट जो किया हो अभी उठ जाने साढ़े कार्रवाई हो सकती है तो तुम महल वाले तो उतार सकते हो। सारे महल इकट्ठे हो गए उत्थे गए तो किसान भाईचारा भी ना सी जो अभी साढ़े महल तो शुरुआत जियो की हुई है किसान भाईचारे नाल ही सारे तो पहल असी की आ तो जियो तो जी जियो का टावर उतारो तो किसान भाईचारे नाल ही समर्थन दें जियो टावर मतलब होर भी इलाके जो हो गए लगा सारे सारे बेनती करते हैं जेडे जेडे महल च भी जियो टावर लगे हो सारे लाने तो अभी किसान भाईचारे बेनती करा ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਬਟ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ।